हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था, तो सोचा कि क्या हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया जाए। तो दिमाग में एकदम से आया, ऑमलेट बनाते हैं और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज की रेसिपी है चीज़ी ऑमलेट। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वेरी सिंपल रेसिपी, बैचलर्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये रेसिपी। पहला इंग्रेडिएंट है कटा हुआ प्याज। ये आधा प्याज मैंने लिया है, दो कटे हुए हरे मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच किचन किंग, थोड़ा सा अमूल बटर लिया है मैंने, गार्लिक वाला। मेरे पास यहाँ पर अमूल का एक चीज़ स्लाइस है और दो एग्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं बोल में। अब क्विकली हम बनाएंगे चीज़ी ऑमलेट। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, सिर्फ बटर और चीज़ स्लाइस को हटा दीजिए। और अब इसको हमें फेंकना है इस तरीके से। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से भी इसको फेंक सकते हैं, और इसको इतना फेंटिए कि ये फ्लफ़ी लगने लगे। अब अगर आप इस मोमेंट पर अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, सो दैट ये ज़्यादा फ्लफ़ी हो, ऐड कर सकते हैं, या आप ऐड कर सकते हैं एक चम्मच मिल्क। तो मैं ऐड करने वाली हूँ एक चम्मच मिल्क। मिक्सचर एकदम रेडी है। इसमें मैंने एक चम्मच दूध ऐड किया है ताकि ये और फ्लफी बने। और अब इसको फटाफट नॉनस्टिक पैन पर पकाते हैं। पैन में थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, इसको करिए हल्का, और इसमें आप मिक्सचर डाल दीजिए। को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए एंड अलाउ इट टू कुक फ्रॉम वन साइड। ऑमलेट को अगर आप फ्लफी बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड से ना सेकें, एक ही साइड से सेकें, लो टू मीडियम फ्लेम पर, तब तक वो अच्छे से पक ना जाए। सो मेरा ऑमलेट एक तरफ से बिल्कुल सेक चुका है, ये देखिए आप। दूसरी तरफ से इसको सेकने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे, और जो आपने चीज़ स्लाइस देखा था वो डालेंगे। और करना क्या है, बस सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इसको पकाना है, जब तक ये हल्का सा मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही ये हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा, हम इसको रैप कर देंगे इस तरह से। चाहे तो आप मेल्टिंग का बिल्कुल वेट ना करें, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं इस ऑमलेट को। सो या इट्स डेलिकेट अनाफ, but it's gonna be tasty. So here is our cheese omelet ready. I hope आपको ये recipe ज़रूर पसंद आई होगी। जो egg lovers हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी treat है। तो अगर पसंद आई हो तो please subscribe करें मेरे channel को, like करें, comment करें। अगर कोई recipe आप भी share करना चाहते हैं तो most welcome. Bye bye for now.